नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आज मैं आप लोग को एक अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ इस प्लांट के बारे में। आज फिर एक नया प्लांट शुरू किया देखा है मैंने, इसका नाम है फाइकस कृष्णी, जिसे माखन कटोरी, ठीक है, माखन बर्ड, कृष्ण की कटोरी, कृष्ण बर्ड, ये सब कहते हैं। ये आप इसकी लीफ आप देख रहे होंगे, इसकी पत्तियाँ आप देख रहे होंगे, बरगद से मिलता जुलता है। आपने देख रहे होंगे कि कटोरी की तरह ये बनी हुई है, इसको हम कहते हैं माखन कटोरी। इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस कृष्णी। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि फाइकस बेंगालेंसिस कृष्णी, मतलब ये बरगद की एक वैरायटी है, पर मॉर्फोलॉजिकली भी ये थोड़ा डिफरेंट है, और जब आप इसको फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और जेनेटिकली भी देखेंगे तो ये थोड़ा आपको अलग मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण यशोदा माँ से जब माखन चुराते थे तो यशोदा माँ ने उन्हें देख लिया, और फिर उन्होंने क्या किया कि माखन लिया और इसके अंदर रखा और इसकी पत्तियों को ऐसे मोड़ दिया। इस मुड़ जाने के कारण ये पत्तियाँ ऐसे कटोरी रूप में हो जाती हैं। तभी से इसकी लीफ, इसका पूरा मॉर्फोलॉजिकल एक कटोरी नुमा हो गया, जिससे वो माखन उठाकर खाते भी थे और माखन इसमें रख करके ऐसे छुपा दिया करते थे। तभी से इसका नाम फाइकस कृष्णी पड़ गया। इसे आप ऊपर देखेंगे, आप ऊपर ले जाइए, ऊपर देखेंगे आप, इसमें बरगद की तरह ही आपको बहुत सारी वैरायटी पूरी दिखेगी। बरगद की तरह ही आपको इसमें अलग अलग तरह के बीज और बरगद की तरह ही फ्रूट दिखेंगे। ये बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है। आपको ये बेंगलोर से लेकर के मुंबई, झारखंड और जगहों पर बहुत बड़ा दिखेगा। रानीबाग में ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है, हमारे गोरखपुर में ये फाइकस कृष्णी का पेड़ पाया जाता है। इसमें एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल भी प्रॉपर्टी होती है, आप चाहें तो आकर के यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे वी पार्क, विंध्यासिनी पार्क में ये मौजूद है, आप इसको देखेंगे और इंजॉय करिए। मैं फिर मिलूँगा आपको इसी तरह नए प्लांट्स के बारे में। जय हिंद।